ही से भी की ओर बढ़े सभी हम लोग, छह के आगे तीन हो विश्व शांति का योग। मेरे आराध्य संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महामहाराज के नाम का स्मरण करते हैं। मन मस्तिष्क में एक निर्गंत निर्लिप्त निरपेक्ष दिगंबर जैन श्रमण की सुंदर छवि मन मस्तिष्क में अंकित हो जाती है और श्रद्धा से तन मन नतमस्तक हो जाता है। आपकी वितरागमय जीवन लाखों भक्तों में एक अद्वितीय रोशनी व ऊर्जा भर देता है। आचार्य से एक युग रस्ता है जिन्होंने मूक प्राणियों की रक्षा के लिए हजारों गौशालाओं की स्थापना करने की प्रेरणा दी। स्वरोजगार के लिए हथकरघा लगाए गए, जेलों में भी हथकरघा की स्थापना की गई ताकि कैदी जेल से निकल के एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं हो और इंडिया ने भारत को हो, ऐसा मार्गदर्शन देने वाले आचार्य श्री करोड़ों भारतीयों को इसके लिए प्रेरणा दे रहे हैं। प्रतिभा स्थली के माध्यम से जैन बालिकाओं के अंदर उच्च संस्कार और उनके सर्वांगीण विकास की प्रेरणा आचार्य श्री की देन है। आज के इस युग में जब चमहोर नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, ऐसे में आचार्य श्री रेगिस्तान में एक प्रपात की भांति, जल प्रपात की भांति लाखों लोगों को के अंदर उच्च संस्कार स्थापित कर रहे हैं। मैं आज इन भाव क्षणों में आप सभी का स्वागत करता हूं कि हम सभी साक्षी हैं परम पूज्य गुरुदेव की इस तपश्चर्या का और 53वां वर्ष मना रहे हैं दीक्षा दिवस का। 1983 के नवंबर में कलकत्ता में पहली बार मैं आचार्य श्री का मैंने दर्शन किया था और तब से उनका ही होकर रह गया। आचार्य श्री जैसा तप और निर्वाह रूप से जो चला जा रहा है, वो किसी प्रकार के रसों का आहार नहीं करते, घी नहीं देते, दही नहीं देते, फलों को नहीं देते। उनका आहार अगर कोई देखे तो उसमें कुछ भी नहीं होता है, फिर भी बड़ा स्वाद लेने करके खाते हैं। हर्पीस जैसी बीमारी के अंदर में भी उन्होंने कभी बिहार नहीं छोड़ा। अमरकंटक में एक बार मुझे मौका मिला था बिहार में साथ में चलने का, इतनी तीव्र वेदना के अंदर में भी आचार्य श्री लेकिन पहुँचे और वो कभी डोली नहीं लेते, कभी कुछ लेते, कोई शिथिलाचार का नहीं है। एकमात्र संघ है पूरे इतिहास में जैन समाज के जो पूरा का पूरा ब्रह्मचारी संघ है। हम सभी पुण्यशाली और भाग्यशाली हैं कि ऐसे गुरुवर की देशना हम लोगों को मिलती है, ऐसे गुरुवर का सानिध्य हम लोगों को मिल रहा है और हमारे काल में या उनके काल में हम सब हैं कि हम उनकी तपश्चर्या को देख पा रहे हैं। आचार्य श्री के कई जो प्रकल्प चल रहे हैं, लोग उनको पता नहीं किस नज़रिए से लेते हों, लेकिन उन सब में मानव कल्याण की भावना छिपी है। उन्नायु अनुसंधान संस्थान जो है आयुर्वेद के लिए, ये हम सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है। 7000 वर्षों से ज़्यादा के एक्सपीरियंस से जो आयुर्वेद का ज्ञान हम भारतीयों को है, हम 100-150 साल की अंग्रेजी चिकित्सा के साथ उसको कभी जोड़ नहीं सकते। आयुर्वेद का कोई मुकाबला नहीं है। आज के 21वीं सदी के भारत में भी यदि जैन आगम की प्राचीन परंपराओं के पथ पर निरंतर अटूट रूप से अपने समस्त विशाल संघ को साथ लेकर चलकर और न केवल जैन समाज बल्कि अजैनों को भी धर्म और मानव कल्याण की प्रेरणा अगर कहीं से मिलती है तो वह आचार्य श्री का ही नाम है। गुरुवर की अनुपम सजा के दर्शन अगर साक्षात एक बार हो जाए तो उसको निहारते निहारते दृष्टि ही नहीं हटती है। इस पंचम काल के युग में गुरुवर का होना और इस युग में हमारा और आपका होना ही अपने आप में बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। गुरु आपके दर्शन करके नयन नहीं तृप्त होते हैं, सपने में भी गुरुवर हमको दर्शन आपके होते हैं। जब से देखा गुरु आपको जागा भाग्य हमारा है, विद्यासागर मुनिवर आपको सो नमन हमारा है। आचार्य श्री के 53वें दीक्षा दिवस के शुभ अवसर पर आचार्य श्री के चरणों में वाईरूप ट्रेवल्स परिवार दिल्ली की ओर से सत सत वंदन नमन नमोस्तु नमोस्तु। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मैं प्रशांत जैन जबलपुर से। हम सभी के जीवन में हर्षतिर एक महाअवसर आया है जब हम सभी के श्रद्धा आस्था के केंद्र संत शिरोमणि आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज का 53वां दीक्षा दिवस हम सभी बड़े आनंद और उल्लास के साथ मना रहे हैं। आचार्य गुरुदेव के गुरुदेव जो हमारे दादा गुरु हैं आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनिराज, उन्होंने आचार्य विद्यासागर महामुनिराज को दीक्षा दी और ये गुरु शिष्य का नाता बड़ा विरला और बड़ा दुर्लभ हम सभी को प्रतीत होता है। आइए इन शब्दों के माध्यम से दोनों गुरुओं के चरणों में हम अपनी वंदना निवेदित करते हैं।
आचार्य ज्ञान सागर जी ने किया दुनिया पर उपकार, आचार्य ज्ञान सागर जी ने किया दुनिया पर उपकार और गुरु विद्या सागर जैसे संत दिए हमें उपहार। इन गुरु शिष्य का नाता सारे जग में एक अपवाद है, दी दीक्षा जिस शिष्य को गुरु ने उसे झुकाए अपने माथ में। निज गुरु पद शिष्य को देकर, निज गुरु पद शिष्य को देकर की स्वयं उसकी जयकार और गुरु विद्या सागर जैसे दिए संत हमें उपहार। आइए हम और आप मिलकर गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु अर्पित करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्या सागर जी महाराज के 53वें दीक्षा दिवस पर आचार्य श्री को बारंबार नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। कुंडलपुर में बड़े बाबा के मस्तकाभिषेक के अवसर पर छोटे बाबा का साक्षात्कार हुआ। आपको प्रथम बार देखकर नज़र वहां से नहीं हटी। आपकी प्रसन्नचित तेजस्वी आभामंडल युक्त मुख्य मुद्रा को देखकर वहां से हटने का मन नहीं करा, बराबर आपके सम्मुख खड़े रहने का ही मन कर रहा था। आचार्य श्री, आपकी तपस्या को देखकर आश्चर्य होता है। आपके सभी प्रकार के रस त्याग, फल सब्जी का त्याग और सूक्ष्म आहार चर्या देखकर लगता है कि हम पंचम काल में नहीं भगवान महावीर के युग में आ गए हैं। आपने अपने कल्याण के साथ साथ जन जन के कल्याण के बारे में भी सोचा। आपने कई ग्रंथ और पुस्तकें लिखी, लेकिन मूक माटी की काव्य का जवाब नहीं, इसमें जीवन का सचित्र वर्णन है। आपने मूक प्राणियों की रक्षा कर कूचड़ खाने बंद करा कर और गौशाला खुलवा कर जीव दया का निर्माण किया। आपने संस्कारों को जीवंत रखने के लिए प्रतिभा स्थली का जगह जगह निर्माण कराने का प्रोत्साहन दिया, उसके लिए अच्छी व्यवस्था भी कराई। आपने हथकरघा के निर्माण को भी प्रोत्साहन दिया, जिससे अपने देश में निर्मित वस्तुओं का उपयोग हो सके, गरीब और कैदी भाइयों को भी काम मिले। हमें सागर जेल और तिहाड़ जेल देखने का अवसर मिला, जहाँ पर कैदी भाइयों की काम में लगन और जीवन सुधारने के उद्देश्य को देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। जेल में आपकी प्रार्थना करके ही कैदी भाई काम प्रारंभ करते हैं। आपने पूर्ण आयु का भी प्रारंभ कराया, जिसमें नाड़ी वैद्य बैठेंगे और आयुर्वेदिक पद्धति से उसका इलाज करेंगे। यहाँ पर बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज भली प्रकार होगा और रहने खाने की उचित व्यवस्था होगी। हम अपने आप को बहुत पुण्यशाली मानते हैं कि आप जैसे गुरु का हमें सानिध्य मिला। दो बार चतुर्मास में भी हमें आपका सानिध्य मिला, जिसके पास आकर वहीं बैठे रहने का मन करता है। आचार्य श्री, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि आगे भी सदा आपका आशीर्वाद मिलता रहे और आपकी दया दृष्टि सब पर बनी रहे। नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। आचार्य श्री विद्या सागर मुनि महाराज की जय। आज हम सब योग को अलग योग के माध्यम से जानते हैं, जो सभी प्रकार की पीड़ाओं को हर लेता है। ऐसा हमारे अलग योग प्रणेता मुनि श्री ब्रह्मण्य सागर महाराज जी का विश्वास है, इसलिए इसे हमें अपने दिनचर्या में शामिल कर लेना चाहिए। पहली मुद्रा अरिहंत मुद्रा। ॐ अरहं नमः। दूसरी मुद्रा सिद्ध मुद्रा। ॐ अरहं नमः। तीसरी मुद्रा आचार्य मुद्रा। ॐ अरहं मुद्रा उपाध्याय मुद्रा। ओम अरहं नमः। पांचवी मुद्रा साधु मुद्रा। ओम अरहं देखकर बाकी प्रवचन सुनकर मुझ में बहुत ऊर्जा और धर्म के प्रति मेरी प्रभावना बहुत प्रबल हुई।
आपके उच्चतम कार्य जैसे गौशाला, प्रतिभाशाली पूर्ण आयु का निर्माण कराना आदि से मुझे बहुत प्रेरणा प्राप्त हुई। आपकी दूरदर्शिता एवं मानव कल्याण की सोच के कारण जेल में हथकरघा से बनी साड़ियों का निर्माण शुरू हुआ, जिससे वहाँ के कैदियों को अपने जीवन सुधारने का एक अवसर प्राप्त हुआ। आपको आहार देने का सुअवसर मुझे सन 2018 में दो बार प्राप्त हुआ, जिससे मुझे असीम सुख और संतोष मिला। आपके मुखमंडल पर इतना संतोष देकर इस कोरोना महामारी के सत्काल के समय भी हमें संबल मिलता है और धर्म के प्रति हमारी आस्था बढ़ती है और विश्वास होता है कि यह समय भी टल जाएगा और सब सामान्य हो जाएगा। जय जिनेन्द्र, मैं सुनीता जय गोवाड़िया इंदौर से। मैं आचार्य श्री विद्यासागर जी की 53वीं दीक्षा जयंती पर विज्ञानजलि की कुछ पंक्तियाँ। आनंद सागरा महाराज, विद्या सागर सागरा ओ महाराज। हे मुनिवर धन्य हो तुम, कितना भूमंडल देखा मैंने, नदी सरोवर देखा। भू देखा, भूमंडल देखा मैंने, नदी सरोवर देखा। पर्वत की चोटी पर जाकर जाने कहां कहां नहीं देखा, लेकिन लेकिन जब से देखा तुमको तब से मुझको लगा ऐसा जैसे मैंने चलते फिरते वर्तमान महावीर को देखा, जैसे मैंने चलते फिरते वर्तमान महावीर को देखा। अरे नहीं जानता कौन हो गुरुवर और कहां से आए हो, नहीं जानता कौन हो गुरुवर और कहां से आए हो। मेरे जीवन की हर सांसों में गुरुवर तुम ही समाए हो। कोई तुमको कहे दिगंबर, कोई कहता पैगंबर, कोई तुमको कहे दिगंबर, कोई कहता पैगंबर, कोई कुंद कुंद सा कहता, कोई कहता तीर्थंकर। अरे सच में सच में सच में गुरुवर आप हो अद्भुत, जिन शासन और नायक हो, जिन वाणी रसपान कराते जिन वाणी के गायक हो, जिन वाणी रसपान कराते जिन वाणी के गायक हो। क्या 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 उपमा दे दूं तुमको, क्या उपमा दे दूं तुमको, तुम तो सबसे ही न्यारे हो। हे गुरुवर विद्यासागर हमको प्राणों से भी प्यारे हो, हे गुरुवर विद्यासागर हमको प्राणों से भी प्यारे हो। अरे समय सार का सार तुम्ही हो, समय सार का सार तुम्ही हो, जिन शासन आधार तुम्ही हो, जिन शासन के सूरज चंदा वर्तमान भगवान तुम्ही हो। तुमसे ही तो हम हैं गुरुवर, तुमसे ही तो हम हैं गुरुवर, जैसे जड़ से होता तरुवर। तुम मिन जीवन लगे अधूरा, तुम करते सपनों को पूरा, तुम मिन जीवन लगे अधूरा, तुम करते सपनों को पूरा। अरे तीर्थंकर के दूत तुम्ही हो, तीर्थंकर के दूत तुम्ही हो, जिनवाणी के पूत तुम्ही हो, मुक्ति वधु के कंत तुम्ही हो, वर्तमान भगवंत तुम्ही हो, भारत वर्ष के संत तुम्ही हो, भविष्य के अरिहंत तुम्ही हो, और हमें झलकते गुरुवर ऐसे परम सिद्ध भगवंत तुम्ही हो, हमें झलकते गुरुवर ऐसे परम सिद्ध भगवंत तुम्ही हो, हमें झलकते गुरुवर ऐसे परम सिद्ध भगवंत तुम्ही हो। परम पूज्य संत श्रोमणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी गुरुदेव के पावन चरणों में मैं कवि विकर सेन कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ, और समस्त देशवासियों को इस पावन अवसर पर, पावन पर्व पर सभी को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। नमोस्तु 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 गुरुवर। अपनी आप
आवाज से मनमोहने आ रहे हैं मास्टर प्रतिकर जैन। मेरे आराध्य विश्व वंदनीय आचार्यों के राजन, हम सबके उद्धार संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय। गुरुजी के दीक्षा दिवस पर गुरुजी के गुणों का गुणगान अपनी आवाज और भावों से करने का एक छोटा सा प्रयास। गुरु को वंदन, गुरु को वंदन, गुरु को वंदन, गुरु को वंदन, गुरु वंदन, गुरु को वंदन, गुरु को वंदन, गुरु को वंदन। ये भारत का कण कण पतितों को पावन बनाने लिखी है, जिस मुख माटी में प्रभुता छिपी है, प्रभुता छिपी है। हर भव्य आत्म में परमात्मा शक्ति, तप साधना से मिले दिव्य मुक्ति। शत को लिखे ग्रंथ हरते हैं ग्रंथन, गुरु के वचन से बने भव्य कुंदन। विद्या के सागर गुरु को है वंदन, गुरु को वंदन, गुरु को वंदन, गुरु को वंदन, गुरु को वंदन। संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आप सभी को मेरा सादर जय हिंद। आज मैं आपके सामने आचार्य श्री द्वारा रचित हाइकू प्रस्तुत करने वाली हूँ। गुरु ने मुझे प्रकट कर दिया, दिया दे दी, गुरु कृपा से बांसुरी बना, मैं तो थे बांस था। बिना डांट के शिष्य और शिष्य का भविष्य क्या, नदी में नाव सभी चलाते, रेत पे कौन कली ना खिली अंगुली से, समझो योग्यता क्या। पर की पीड़ा अपनी करना की परीक्षा लेती है, शब्द पंगु है, जवाब ना देना ही लाजवाब है। गुरु ने मुझे जाना, समझा और अपनाया भी, जीवन की कॉपी कर्मों से भरी पड़ी है, इसे कैसे पहुँचूं, व्यापक कौन, गुरु या गुरुवाणी। मीरा ने भक्ति में अपने श्याम को ध्याया था, भक्ति में ही शबरी ने श्री राम को पाया था। कौन सी भक्ति करूं मैं गुरु जी, तुम मेरे घर आओ, मैं ही मीरा, मैं ही शबरी, राम श्याम बन जाओ कि एक बार आओ गुरुदेव, दर्श दिखलाओ गुरुदेव कि एक बार आओ गुरुदेव, दर्श दिखलाओ गुरुदेव। मैंने गुरुवर तुमसे मन की बात छिपाई है, हाँ मैंने गुरुवर तुमसे मन की बात छिपाई है, अपने मन की वेदी पर तेरी छवि बिठाई है। भटक न जाऊं गुरु अगर तो थाम मुझे तुम लेना, मैंने तुमको अपना माना, ध्यान भी मुझ पर देना कि एक बार आओ गुरुदेव, दर्श दिखलाओ गुरुदेव कि एक बार आओ गुरुदेव, दर्श दिखलाओ गुरुदेव। हाँ मैंने गुरु भक्ति में ही दिल रैन लगाए हैं, हाँ खून शिकम फिर दय से चार चरणों दीप जलाए हैं। बुझ न जाए श्रद्धा ज्योति हाथों से तुम देना, निज हवाओं में भी गुरुवर थाम मुझे तुम लेना कि एक बार आऊं गुरुदेव, दर्श दिखलाओ गुरुदेव। चरणों में नमन हमारा, चरणों में नमन हमारा, कर लो गुरुवर स्वीकार, गुरुवर
दीजिए संयम का उपहार। किसी से मत कहना गुरुवर एक दिल की बात बताते हैं, किसी से मत कहना गुरुवर एक दिल की बात बताते हैं। घर जाने को मन नहीं करता पास में जब आ जाते हैं, घर जाने को मन नहीं करता पास में जब आ जाते हैं। वाणी का कहे करिश्मा, वाणी का कहे करिश्मा, क्या त्याग का कहे प्रताप। गुरुवर हमको दीजिए संयम का उपहार। आज मैं गुरुवर के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यह भजन प्रस्तुत करती हूँ। मीरा ने भक्ति में अपने श्याम को ध्याया था, भक्ति में शबरी ने श्री राम को पाया था। कौन सी भक्ति करूँ मैं गुरु जी, तुम मेरे घर आओ। मैं ही मीरा, मैं ही शबरी, राम श्याम बन आओ के एक बार आओ गुरुदेव। दरस दिखलाओ गुरुदेव के एक बार आओ गुरुदेव, दरस दिखलाओ गुरुदेव। मैंने गुरुवर तुमसे मन की बात छिपाई है, ओ, मैंने गुरुवर तुमसे मन की बात छिपाई है। अपने मन के वेदी पर तेरी छवि बिठाई है। भटक जो जाऊं गुरु अगर तो थाम मुझे तुम लेना। मैंने तुमको अपना माना, ध्यान भी मुझ पर देना के एक बार आओ गुरुदेव, दरस दिखलाओ गुरुदेव। विद्यासागर ओ विद्यासागर, इस धरती पे महावीरा अवतार है। हंसते हैं तो चंदा बाबा, लगते पालनहार है। पारस बाबा जैसे के छोटे बाबा, चंदा बाबा जैसे हे छोटे बाबा। छोटे बाबा, छोटे बाबा कहता यह संसार है। विद्यासागर इस धरती पे महावीरा अवतार है। तुम पे यकीन है गुरुवर, भक्तों की आप सुनते हो। जवानी ही मुख से निकले जन्मे जब भी कहते हो। गुरुवर जैसा देखा ना सुना अपनी साध्याप है। विद्यासागर इस धरती पे महावीरा अवतार है। हंसते हैं तो चंदा बाबा, लगते पालनहार है। पारस बाबा जैसे हे छोटे बाबा, चंदा बाबा जैसे हे छोटे बाबा। आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के पावन दीक्षा दिवस पर मैं मिताली जैन चौरे जिला छिंदवाड़ा से आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करती हूँ। आज आप सभी के समक्ष मैं आचार्य भगवान का एक छोटा सा भजन आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। एक नाम साचा, एक नाम प्यारा, ले ले गुरु का अब तो सहारा। एक नाम प्यारा, ले ले गुरु का अब तो सहारा। तेरे चरणों में हम सब का नमन है, विद्यासागर है नाम तिहारा। गुरुदेव मेरे गुरुदेव, भजले
गुरुवर की महिमा क्या कहे, गुरुवर की महिमा क्या कहे, बिन गुरुवर जीवन कटु समान है, विद्या सागर ज्ञान सिंधु है, गुरुवर आप में ही जैनागम का सार है। 30 जून 68 में दीक्षा देकर ज्ञान सिंधु ने जन कल्याण किया। आत्म कल्याण पश्चात गुरुवर ने राष्ट्र का उद्धार किया। उषा काल से ही जैसे दिनकर का राज बढ़ता है, आपकी चर्या देख नभ में वर्षा और दिल में पंकज खिलता है। तत्व ज्ञानी निष्प्रय साधक गुरुवर मूक माटी की गाथा गाते हैं, करके शतक विंशति चेतन कृति जन जन को भवसागर किराते हैं। सोने की चिड़िया भारत अब कर्ज में डूबा जाता है, विश्व गुरु कहलाने वाला इंडिया नाम से जाना जाता है। यह देख गुरुवर ने ठानी देश को पुनः विश्व गुरु पद पर बैठाना है, स्वावलंबी बनाकर मातृभूमि को इंडिया से भारत बनाना है। स्वावलंबन स्वदेशी और अहिंसा आपके जीवन का श्रमदान है। हथकरघा के द्वारा गुरुवर करते आप नौजवानों का कल्याण है। पुरुषों के कल्याण के बाद बालिकाओं का भविष्य उज्जवल करना है। आखिर बेटियां ही तो दो परिवारों का खूबसूरत गहना है। ज्ञान सिसकता छलियों में सरेआम शिक्षा बिकती है, शिक्षा को व्यवसाय बनाकर संस्कारों की डोर कटती है। अलग जगाने को संस्कारों की प्रतिभा स्थली का प्रयोजन होता है, जहाँ जीवन का निर्वाह नहीं संस्कारित जीवन का निर्माण होता है। इंदौर डोंगरगढ़ जबलपुर रामटेक पपोरा जी में प्रतिभा स्थली की स्थापना होती है, जहाँ छात्राओं की शिक्षा भारतीय गुरुकुल पद्धति से होती है। अंग्रेजी भाषा को छोड़ मातृभाषा में व्यवहार करना है। देश के विकास के लिए हिंदी भाषा को बढ़ावा देना है। खेती बाड़ी है सर्वश्रेष्ठ, गौशालाएं हैं जीवित कारखाना, भारत की मर्यादा है साड़ी, मांस निर्यात रोग कलंक है मिटाना। चिकित्सा व्यवसाय नहीं सेवा है, यह आपने बताया है।
आपके ही आशीष का मेवा भाग्योदय तीर्थ चिकित्सालय हमने पाया है। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के पावन पुनीत चरणों में मेरा कोटि से नमन। उनके 53वें दीक्षा समारोह के अवसर पर मेरी एक भावांजलि प्रस्तुत है। ज्ञान सागर की पहली लहर है, तू ज्ञान सागर की पहली लहर है। जाना कहाँ पे कि तुझको खबर है, हमको भी ले चल मुक्ति की मंजिल। जीवन की नैया है तेरे सहारे, श्री विद्यासागर जी गुरुवर हमारे। गुरु जी के चरणों में शत शत नमन हमारा है, बड़े बाबा के प्यारे हैं, छोटे बाबा हमारे हैं, और ज्ञान सागर जी की आंखों के तारे हैं। ओ ज्ञान की धारा है, विद्या गुरु के द्वारा है, गुरु जी का द्वारा हमको स्वर्ग से प्यारा है। गुरु जी के चरणों में शत शत नमन हमारा है, गुरु मिले सब है मिला, देखो अपना भाग्य खिला, इनके चरणों में बीते जीवन सारा। चेहरे पर मुस्कान सदा ही बिखरी, बड़े बाबा के प्यारे हैं, छोटे बाबा हमारे हैं, और ज्ञान सागर जी की आंखों के तारे हैं। ओ वह भी ज्ञान की धारा है, विद्या गुरु के द्वारा है, गुरु जी का द्वारा हमको स्वर्ग से प्यारा है। बात बता दो गुरुवर अपने मन की, मेरा की जैसी दीवानी आपकी, जब जब भी दर्श किए, जब जब भी दर्श किए, मन मिलता ही गया अपनी अज्ञता का एहसास कराता गया। दर्शन से पहले मैं एक पिछले मिट्टी थी, आपके दर्शन ने ही उछलने से बचा दिया। आज बात बता दो गुरुवर अपनी मन की, मेरा की जैसी दीवानी हूँ आपकी,
अपनी जब जब भी आजादी का साथी है, अपनी जब जब भी आजादी का साथी है, आपको नजरों में बसाने से हल्की हो जाती है। वंदनम गुरुवरम गौगे जन सुख करम, सर्व जन हित करम दुख संकट हरम, मेरे नैनों में गुरुवर की मूरत बसी, मेरे नैनों में गुरुवर की मूरत बसी, नाम अधरो पे मन में गुरु की छवि, नाम अधरो पे मन में गुरु की छवि। विद्या सागर गुरु मेरे भगवान है, विद्या सागर गुरु मेरे भगवान है, मेरे गुरु दर्श से चारों ही धाम है, मेरे गुरु दर्श से चारों ही धाम है। वंदनम गुरुवरम गौगे जन सुख करम, वंदनम गुरुवरम गौगे जन सुख करम, सर्व जन हित करम दुख संकट हरम, सर्व जन हित करम दुख संकट हरम। रात दिन में गुरु नाम सुमिरन करूं, रात दिन में गुरु नाम सुमिरन करूं, प्रभु से पहले गुरु का ही ध्यान धरूं, प्रभु से पहले गुरु का ही ध्यान धरूं। गुरुवरम भव जन सुख करम, वंदनम गुरुवरम भव जन सुख करम, सर्व जन हित करम दुख संकट हरम, सर्व जन हित करम दुख संकट हरम। करम दुख संकट हरम, सर्व जन हित करम दुख संकट हरम, सर्व जन हित करम दुख संकट हरम। अजय श्री विद्या सागर जी महाराज के चरण कमलों में सभी ने बारंबार नमन, बारंबार नमन, बारंबार नमन। दरिपन में दीक्षा दिवस के पावन पर्व पर गुरु स्तवन के माध्यम से आप अपनी भावांजलि प्रस्तुत करते हैं। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नारी स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्श कराने वाला है। जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हो, ओ आर्ध निशा का सन्नाटा पन में वनचारी चरते हो, तब शान
पड़े खिल जावे अंतर की कलियां। तुम सादानी क्या कोई हो जग को दे दी जग की निधियां। दिन रात लुटाया करते हो समशम की अविनाशरी मनिया। हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम। हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। सागर गुरुवर हमारे
तार सिंधु के तुम हो किनारे सम्यक समता के आलय तुम्ही हो माँ भारती के हिमालय तुम्ही हो पथ तुमसे पावन मुक्तारी जीवन पथ तुमसे पावन मुक्तारी जीवन हम अश्रु जल से चरणा पखारे श्री विद्या सागर गुरुवर हमारे संसार सिंधु के तुम हो किनारे नौ नौ लगत दिगंबर वेश मोह माया को नहीं आलेस सत्य शिव सुंदर है संदेश संत तुम सा जग में नैया विद्या सागर नमन तुम्हें सोमवार पड़त पैया जगत से न्यारे हो भगत रखवाले हो जगत से न्यारे हो भगत रखवाले हो संत एक संतन में देखो सुनो भई एक संत अलबेला जिते चरण पड़ गए तुम्हारे उतई लग दो मेला नैया धन पैसा से ले जाग दो पर जन पुर जन गे मात्र है नगन दिगंबर वे संग मोटर गाड़ी नैया विद्या सागर नमन तुम्हें सो बार पड़त पैया जगत से न्यारे हो भगत रखवाले हो गुरु विद्या थारो नाम गुरु विद्या थारो नाम मरे मोह मीठो लाग्यो ओ घड़ चोखो लाग्यो मोह मीठो लाग्यो ओ घड़ चोखो लाग्यो गुरु विद्या थारो नाम आचार्य की पदवी पायो संत शिरोमणि नाम कहायो आचार्य की पदवी पायो संत शिरोमणि नाम कहायो थारु दरियो आदिशान थारु दरियो आदिशान अरे मोह मीठो लाग्यो ओ घड़ चोखो लाग्यो मोह मीठो लाग्यो ओ घड़ चोखो लाग्यो गुरु विद्या थारो नाम गुरु विद्या थारो नाम मरे मोह मीठो लाग्यो ओ घण चोखो लाग्यो मोह मीठो लाग्यो ओ घण चोखो लाग्यो गुरु विद्या थारो नाम नर नारी दर्शन को आवे थारी ही जयकार लगावे नर नारी दर्शन को आवे तेरी ही जयकार लगावे थर गूंज रहो गुणगान थर गूंज रहो गुणगान नरे मोह मीठो लाग्यो ओ घण चोखो लाग्यो मोह मीठो लाग्यो ओ घण चोखो लाग्यो जो गुरु कृपा करे जो गुरु कृपा करे
गुरुदेव तेरे चरण में तन मन समर्पित रहे सदा। गुरुदेव तेरे चरण में तन मन समर्पित रहे सदा। तेरी कृपा से श्रद्धा के फूल, तेरी कृपा से श्रद्धा के फूल क्षण क्षण प्रफुल्लित रहे सदा। गुरुदेव तेरे चरण में तन मन समर्पित रहे सदा। गुरुदेव तेरे चरण में तन मन समर्पित रहे सदा। तेरा जगत तेरा ब्रह्मांड तेरी बनाई हुई है ये सृष्टि। तेरा जगत तेरा ब्रह्मांड तेरी बनाई हुई है ये सृष्टि। तेरे अनुग्रह से मुझे से लाखों की निर्मल हुई जाए दृष्टि। गुरुदेव तेरे चरण में तन मन समर्पित रहे सदा। गुरुदेव तेरे चरण में तन मन समर्पित रहे सदा। तेरी कृपा से श्रद्धा के फूल, तेरी कृपा से श्रद्धा के फूल क्षण क्षण प्रफुल्लित रहे सदा। गुरुदेव तेरे चरण में तन मन समर्पित रहे सदा। परम पूज्य संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामहिराज के श्री चरणों में शची सुबानी का कोटि कोटि नमस्ते। गुरुदेव तेरे इन चरणों की हम धूली बनना चाहते हैं। जीवन में जो सुख दुख का हम वो त्यागना चाहते हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों की हम धूली बनना चाहते हैं। सदलगा ग्राम की माटी को श्री विद्याधर ने धन किया। माँ श्रीमती और मलप्पा जी के घर को सुख संपन्न किया। आषाढ़ शुक्ल पंचमी पावन दीक्षा ले ध्यान लगाते हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों की हम धूली बनना चाहते हैं। जीवन में जो सुख दुख का हम मोह त्यागना चाहते हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों की हम धूली बनना चाहते हैं। जिस दर्ज की आशा है सबको सिद्ध और अरिहंत हुए। पर गुरु की एक झलक पाकर हम श्रीफल सा अभिमंत्र हुए। हर उलझन के अंदर ही उस उलझन के हल मिलते हैं। जीवन में जो सुख दुख का हम मोह त्यागना चाहते हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों की हम धूली बनना चाहते हैं। प्रतिभा स्थली और पूर्णायु ये दो अंग को वरदान मिले। हथकरघा और हिंदी भाषा से भारत को पहचान मिले। इंडिया नहीं भारत बोलो गुरुदेव यम से कहते हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों हम धूली बनना चाहते हैं। जीवन में जो सुख दुख का हम मोह त्यागना चाहते।
जाते। चाहत भी गुरुदेव से मिलती है, राहत भी गुरुदेव से मिलती है। मत भूलना आचार्य गुरु विद्यासागर गुरुदेव को, क्योंकि मुस्कुराहट भी गुरुदेव से मिलती है। सत लगा वाली सुन लेना तुम एक सवाल दीवानी का, अगर समझ में आ जाए तो भक्तों को समझा देना कि हमने अपना नियम निभाया तेरे दर पे आने का। गुरुवर तेरा क्या मन नहीं करता भक्तों के घर आने का, गुरुवर तेरा क्या मन नहीं करता भक्तों के घर आने का। जिसका घर छोटा सा हो क्या उसके घर नहीं आते, जिसका घर छोटा सा हो क्या उसके घर नहीं आते। या फिर मुझसे भूल हुई जो मेरे घर नहीं आते, बस इतना बतला दो गुरुवर कैसे तुझे मनाऊं मैं। गुरुवर तेरा क्या मन नहीं करता भक्तों के घर आने का, गुरुवर तेरा क्या मन नहीं करता भक्तों के घर आने का। ऐसा रास्ता ढूंढ लिया रोज मिली तो चैन आए, ऐसा रास्ता ढूंढ लिया रोज मिली तो चैन आए। एक दिन मिलने तुम आओ, एक दिन मिलने हम आए। अब तू पक्का सोच लिया घर तेरे दर पे बनाने का, गुरुवर तेरा क्या मन नहीं करता भक्तों के घर आने का, गुरुवर तेरा क्या मन नहीं करता भक्तों के घर आने का। जिसका जिसका घर देखा क्या वो तेरे अपने हैं, जिसका जिसका घर देखा क्या वो तेरे अपने हैं। रिश्तेदारी में गुरुवर क्या वो मुझसे बढ़ के है, क्या मेरा हक नहीं बनता है घर तुझको घर पे बुलाने का। गुरुवर तेरा क्या मन नहीं करता भक्तों के घर आने का। दीक्षा महोत्सव का वर्ष रे, दीक्षा महोत्सव का वर्ष रे, वर्ण जयंती में बजरई बधैया मुक्ति में अब का देर रे है। दीक्षा महोत्सव का वर्ष रे, दीक्षा महोत्सव का वर्ष रे, वर्ण जयंती में बजरई बधैया मुक्ति में अब का देर रे। Thank you.
सदल का जन्म लिया था खुशियाँ छाई ढेर रे। राम सदल का जन्म लिया था खुशियाँ छाई ढेर रे। पिता मलप्पा माँ श्रीमती ने नाम रखा विद्याधर रे। विद्या के धर विद्याधर रे। शरद पूर्णिमा का दिन रे। स्वर्ण जयंती में बज रही बधैया मुक्ति में अब का देर रे। दीक्षा महोत्सव का वर्ष रे। दीक्षा महोत्सव का वर्ष रे। स्वर्ण जयंती में बज रही बधैया मुक्ति में अब का देर रे। सड़सठ में ब्रह्मचर्य लीना देश भूषण जी गुरुवर से। सन सड़सठ में ब्रह्मचर्य लीना देश भूषण जी गुरुवर से। मुनिवर दीक्षा अड़सठ में ली ज्ञान सागर जी आचार्य से। फिर न लगाई देर रे मन गए विद्या सागर रे। स्वर्ण जयंती माँ बज रही बधैया मुक्ति में अब का देर रे। दीक्षा महोत्सव का वर्ष रे। दीक्षा महोत्सव का वर्ष रे। स्वर्ण जयंती में बज रही बधैया मुक्ति में अब का देर रे। तर में श्री गुरुवर ने आचार्य पद पाया रे। बहत्तर में श्री गुरुवर ने आचार्य पद पाया रे। नगर नगर में चल कर यह संग इस नगरी में आया रे। ज्ञान के सागर गुरुवर रे। क्षमा के सागर गुरुवर रे। स्वर्ण जयंती माँ बज रही बधैया मुक्ति में अब का देर रे। दीक्षा महोत्सव का वर्ष रे। दीक्षा महोत्सव का वर्ष रे। स्वर्ण जयंती में बज रही बधैया मुक्ति में अब का देर रे। गीत राग मुद्रा गुरुवर की चलते फिरते सिद्ध रे। गीत राग मुद्रा गुरुवर की चलते फिरते सिद्ध रे। आचार्य श्री का संग ये देखो लगता समव शरण रे। आ गौ चौथो काल रे। आदम कल्याण को काल रे। स्वर्ण जयंती माँ बज रही बधैया मुक्ति में अब का देर रे। गुरुवर लगा रहे टेर रे। गुरुवर लगा रहे टेर रे। स्वर्ण जयंती में बज रही बधैया मुक्ति में अब का देर रे। स्वर्ण जयंती में बज रही बधैया मुक्ति में अब का देर रे। तुम हो देव धर्म के सार गुरुवर तुम हो कृपा निधान। एक तेरा साथ मिला गुरु प्रणाम। तुम हो जैन धर्म की सार गुरुवर तुम हो कृपा निधान। एक तेरा साथ मिला गुरु प्रणाम। कर्मों की ठोकर ने बस यही सिखाया है। गेरों की कीमत क्या अपनों को गवाया है। कर्मों की ठोकर ने बस यही सिखाया है। गेरों की कीमत क्या अपनों को गवाया है। आचार्य श्री आचार्य श्री मेरे गुरुवर आचार्य श्री। आचार्य श्री आचार्य श्री मेरे भगवन आचार्य श्री। तुम ज्ञान दीप की ज्योति से तुम सा अब हमको बनना है।
अपना लो मुझको हे गुरुवर, जीवन का बस ये सपना है। बचपन की वो मिटती यादें जब गुरुवर जी मम आए थे, शहडोल नगरिया धन्य हुई थी संग साथ मिलाए थे। अतिशयकारी है नमीनाथ, अतिशयकारी गुरुवर आए, नमीनाथ प्रभु के दर्शन पा जाने कितना हो बरसाए। चारों ओर छाई है खुशियाँ, गुरुदेव का दीक्षा दिवस आया। चारों ओर छाई है खुशियाँ, गुरुदेव का दीक्षा दिवस आया। धन्य धन्य है भाग्य हमारे जो गुरुवर के रूप में हमने विद्या गुरु को पाया, हमने विद्या गुरु को पाया। जय जिनी। आप सभी को आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के 53वें दीक्षा दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मल्लप्पा के घर में जन्मे विद्याधर से विद्यासागर बने हैं आप। शरद पूर्णिमा की बनकर चांदनी देखते ही कट जाते हैं सबके पास। मुख पर आपके तेज है, वाणी से अमृत झरता है। विद्या गुरु की छवि देखकर हर जीव भव सागर से डरता है, हर जीव भव सागर से डरता है। और हाथ में पिच्छी और कमंडल, हाथ में पिच्छी और कमंडल, बस दो आभूषण धारी है। गुरु की महिमा कैसे बताऊं, जब का कंकण उनका आभारी है, जब का कंकण उनका आभारी है। आचार्य श्री जी की 53वीं दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में आचार्य श्री जी की जो काव्य रचना है उसी के पद्यानुवाद नंदीश्वर भक्ति की कुछ पंक्तियां मैं यहाँ पर आपके सामने बोलने जा रही हूँ। जय 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 वंत जिनालय, नाश रहित है शाश्वत है, जिन में जिन प्रतिमा से मंजित जैन बिंब है भाश्वत है। सूर्यपति के मुकुटों की मणियां झिलमिल झिलमिल करती हैं, जिन बिंबों के चरण कमल को धोती है अगिहरती है। सदा सदा से सहज रूप से सुचितम प्राकृत छवि वाले, रहे जिनालय धरती पर श्रमणों की संस्कृति धारी। तीनों संध्याओं में इनको तन से मन से वचनों से नमन करूं, धूं अगिरज को छूटूं भव वन भ्रमणों से। भवन वासियों के भवनों में तथा जिनालय बने हुए, तेज कांति से दमक रहे हैं और तेज सब हने हुए। 53वीं मुनि दीक्षा दिवस के पावन अवसर पर संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के श्री चरणों में पारस चैनल परिवार का शत शत नमन, कोटि कोटि वंदन है। अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। जो अपने जीवन का उपयोग स्वकल्याण पर कल्याण के लिए कर रहे हैं, जो चतुर्थ कालीन चर्या का पालन इस पंचम काल में कर रहे हैं, आज उन आचार श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के 53वें संयम महोत्सव पर विशेष प्रस्तुति एवं गुरु चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु।